সোমবার গভীর রাতে দুঃসাহসী ডাকাতির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটুয়ার গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রমজান আলী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। 10 থেকে 12 জন একটি ডাকাত দল তার বাড়িতে ডাকাতি করতে আসে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে মারধর করে বাড়িতে থাকা সমস্ত গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাত দলটি বলে স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন। घटना क्या घटा था, रात को 5 मिनट बाकी 1 बजे में हमको फ़ोन आया कि नहीं यहाँ डकैती हो रहा है। तो जब तक हम लोग आए उस टाइम निकल गया है लोग। हाँ, तो सुनने में आया था 12-13 आदमी आया था लोग यहाँ। हाँ, मारपीट भी किया और कुछ बात ऐसा टका पैसा सोना चांदी जो भी है वो लोग लेके निकल गया। हम लोग बाद में हम लोग को फ़ोन किया हम लोग मतलब निकलने के बाद। हाँ, आके देखते हैं जब सारा सामान उसका गिरा हुआ है, मारपीट किया, इसको बांध के रखा हुआ है, फेंक दिया, अंदर रख दिया था उसको। हाँ, यही आके हम लोग देखे हैं उसको। हाँ, बंधा हुआ पड़ा हुआ था। ये चीज़ हम लोग आके देखें, लेकिन वो लोग निकलने के बाद हम लोग को फोन किया गया था। অন্যদিকে রমজান আলীর স্ত্রী জানান, রাতে 10 থেকে 12 জন একটি ডাকাত দল বাড়িতে আসে, শুরু হয় ডাকাত দলের তাণ্ডব, তছনছ করে দেয় বাড়িতে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র, পরিবারের সদস্যদেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। বাড়িতে থাকা সমস্ত সোনার গয়না ও নগদ 40,000 টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দলটি। आप लोग बोले नहीं कि काहे ऐसा कर? नहीं, हम लोग तो बोले दिबे नहीं, क्या चुपचाप रहो, मार देंगे, गोली मार देंगे। हम लोग क्या करते हैं उस समय, बाजार बजा दो ना, इसलिए हम लोग को ससमा घोर लूट लिया। अरे वैसे बोलो मत, नहीं तो बम फुटा देंगे। हाँ, देखिए छोटा बच्चा हम लोग का है, 4 बच्चा छोटा है, 2 बच्चा मेरा बंधक दे दिए कमाने के लिए, तब पैसा घर उठाए हैं, सब लोग चले गया है। अभी कुछ खाने का नहीं है, क्या खाएंगे हम लोग खरीद के? जो रखे थे पैसा घर में वो भी ले लो, घर में ले आए 1,000 रुपया रखे थे खाने के लिए, रुपया लेके आए थे उठा के 40,000 किसी को देने के लिए, महाजन है मेरा पास उसको देने के लिए, करसुद था मेरा बंधक देके कुछ करते हम वो भी ले लिया, बेटे का पायल था वो भी ले लिया, बेटे का लाना बिछा था वो भी ले लिया। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলার পরে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। দেবব্রত চক্রবর্তী, রিপোর্ট কুলিক নিউজ, চাকুলিয়া।